जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या आपको पता है बांग्लादेश में क्या हो रहा है? दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनके साथ क्या बीत रहा है, वो किस प्रकार वहां पे रह रहे हैं? दोस्तों मैं आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, जो कि दोस्तों आपके आंखों से आंसू आ पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मुस्लिम है और वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में हिंदू है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जितना अधिक मुस्लिम है, सभी लोग मिलकर वहाँ के हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं और वहाँ पे जितने भी हिंदू माता बहन हैं, सभी को घर में घुसकर उनका इज्जत लूट रहे हैं, सभी को हत्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। दोस्तों इस पे गौर कीजिए कि वहाँ पे किस प्रकार हिंदू माता बहन भाई बहन रह रहे होंगे। दोस्तों एक बहुत ही विडम्बना की बात है। दोस्तों हमारे भारत में भी तो मुस्लिम है, यहाँ पे लोग सुरक्षित हैं, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम है और वहाँ पे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों वहाँ पे जितने भी माता बहन हैं, सभी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है। जरा इस पे आप गौर कीजिए दोस्तों, आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में क्या होगा। जागो हिंदू जागो, यदि आप नहीं जागे तो कल यही हालत भारत में होगा। बहुत ही सोने में मजा आता ना हिंदुओं, सोते रह जाओगे और सभी लोग देखते रह जाओगे, सभी माता बहन का इज्जत लूट कर चले जाएगा, लास्ट में तुम देखते रहना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चेतावनी देता हूं कि सभी लोग जाग जाइए, बहुत दिन हो गया सोते हुए, अब सोना नहीं है, हाथ में तलवार लेना है। और दोस्तों कृष्ण भगवान ने कहे थे, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र होना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार जो व्यक्ति बात करता है उसको उसी माध्यम से सिखाना चाहिए। दोस्तों आने वाला कल हमारे भारत भी इसी तरह एक हो जाएगा। दोस्तों जरा आप सोचिए कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो भारत में आई है, क्यों वहाँ उसको भगाया गया? जब एक मुस्लिम का नहीं हो सकता तो क्या हिंदू का होगा? दोस्तों बांग्लादेशी मुसलमान हिंदू भाइयों के घर में जाकर उनका सभी सामान को लूट लिया, दुकानों में जाकर उनका सामान को लूट लिया। दोस्तों जरा आप सोचिए, यदि आपका दुकान को लूट लिया जाए, आपका माता बहन को लूट लिया जाए इज्जत, तो किस प्रकार लगेगा? जरा उनके बारे में सोचिए जिनके प्रति ये मित्र है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये वीडियो को वायरल कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपका दिमाग में घुस रहा है तो इसको दिमाग में घुसाइए, ये नहीं दोस्तों कि इसको इग्नोर कीजिएगा। दोस्तों मैं पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं हिंदू को जगाने के लिए वीडियो को बनाया हूँ, ताकि हमारे हिंदू जागे। अब कब तक सोएगा दोस्तों, बहुत सो दिया, अरे अब तो जाग जाओ, अब तो माता बहन का रक्षा करो, अब तो भारत माता को रक्षा करो, अब तो हिंदू भाइयों को रक्षा करो, कब तक सोओगे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि दोस्तों हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, संस्कृति का बात करते हैं, भारत का बात करते हैं और हमेशा सनातन संस्कृति का बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब बांग्लादेशी मुसलमान वहां के हिंदू भाइयों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, उनको काटा, मारा, पीटा, तब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनको जवाब दिया, तुम लोग बचोगे नहीं, मारा जाओगे यदि वहाँ के हिंदू भाइयों को छोड़ा नहीं तो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट बांग्लादेशी मुसलमानों को धमकी दिया और उन्होंने बोला कि यदि हमारे हिंदू भाइयों को कुछ हो गया तुम लोग समझ लेना और तुम लोगों का खैरियत नहीं होगा। दोस्तों वैसे तो पता है कि मोदी जी जिस पे पड़ जाते हैं ना, उसका अंत हो जाता है, उसका कब्रिस्तान तैयार हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों आपको मोदी कैसा लगता है कमेंट में बताइए। और दोस्तों आपको पता है कि मोदी किसी को नहीं छोड़ते हैं, मोदी जी हमेशा टारगेट में लेते हैं और जब टारगेट में लेते हैं तो हमेशा वो टारगेट में ही रहता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेशी को धमकाए हैं और उन लोगों को बता दिए कि तुम लोग चेतावनी है तुम लोगों के लिए, तुम लोग चेत के रहो और वहाँ के हिंदू भाइयों को सुरक्षित रखो, अन्यथा तुम लोग भी सुरक्षित नहीं रहोगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही करेजा है उनका, बहुत ही उनका दिल है, बहुत ही बड़ा उनका समंदर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार जवाब देकर हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, सनातन संस्कृति का मान सम्मान बढ़ाया, वहाँ बस रहे हिंदुओं का कलेजा बढ़ गया। दोस्तों ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि हिंदू
हमेशा दूसरे को वोट करेगा और बीजेपी का वोट नहीं करेगा तो हमेशा कटते रहेगा, मरते रहेगा। क्योंकि दोस्तों यदि सनातन संस्कृति को बचा सकता है, भारत को बचा सकता है, हिंदू धर्म को बचा सकता है तो वो है बीजेपी, वो है नरेंद्र मोदी जी, वो है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि दोस्तों इनको वोट करना है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आपको पैसा नहीं कमाना है, बस इस वीडियो को अच्छे से समझिए और वायरल कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।